नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा हायर इन्वर्टर साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर के बारे में। हायर इन्वर्टर साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर की टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज ना होने के का कारण है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों देखिए, हायर की जो इन्वर्टर साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर है उसके फ्रीजर सेक्शन में -18 से लेकर -25 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, और जो फ्रिज का सेक्शन है उसमें 30-31 के नीचे टेम्परेचर नहीं उतरता है। जब तक 30-31 से नीचे टेम्परेचर नहीं उतरेगा, नहीं घटेगा, तो आपके ये जो फ्रिज है फ्रिज बिल्कुल कूल नहीं होगा। तो इससे आपको काफ़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो आप जो फ्रिज का सेक्शन है उसमें आप कुछ भी रख नहीं पाओगे। तो ये होता है इसका प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप कैसे आसानी से ठीक कर पाएंगे, आज मैं उसके जो पूरा प्रक्रिया होती है उसी को लेके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है सेल्फ करने की, आपको कौन सी इसमें कंपोनेंट चेक करना है, कौन सी खराब है, कौन सी पार्ट्स में कितना बोल्ट होता है, इसके सारे जानकारी आज आप लोगों के सामने आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटे को ऑल कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए करे और आप उस वीडियो के आनंद उठा सके। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपके ये फ्रिज में इस सिम्टम को देखने को मिलता है, तो आप पहले पहले सोचते हैं कि जो फ्रिज है फ्रिज के अंदर गैस लीकेज हुआ है, गैस की खराबी आया है, इसके लिए ये जो समस्या है आपको देखने को मिल रहा है। और ये भी आते हैं आपको कि उसके जो फैन होती है, जो फ्रीजर सेक्शन में फैन होती है, जो उसके थ्रू फ्रिज सेक्शन और फ्रीजर सेक्शन के कूलिंग बरकरार रखता है, वो भी उसके जो स्पीड है स्पीड भी घट चुका है। आपको ये भी ऐसा अनुमान आपको होता है। तो इसके बाद जो आता है उसके सेंसर सेंसर और एयर डैम्पर। आखिरी में आप सोचते हैं कि इसका पीसीबी भी फॉल्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप एक एक करके सारे कंपोनेंट को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सारे कंपोनेंट को चेक करने में लगभग आपको 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो आज मैं आपको शॉर्टकट तरीके बताऊंगा और आप कैसे आसानी से समझ पाओगे कि इतने सारे पार्ट्स इसमें खराब भी नहीं है, सिर्फ ये का 2 पार्ट्स खराब होने के कारण आपकी ये समस्याएं होती रहती है। तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे इसके बारे में भी अब मैं बताऊंगा। तो उसे देखिए, अगर फ्रीजर सेक्शन में -18 से लेके 23 या 25 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और फ्रिज सेक्शन में भी बिल्कुल ठंड नहीं होता है, तो इससे आपको पता चलता है कि अगर ठंड होता है तो इसके अंदर कोई गैस की लीकेज नहीं है, गैस की कोई सिम्टम या दिक्कत कोई खराबी गैस की नहीं है। तो इसके बाद आता है कि फैन। तो दोस्तों, अगर फैन कमजोर होता, फैन वीक हो जाता, या फिर उसके जो डीसी फैन होते हैं अगर कुछ भी होता, तो डीसी फैन मोटर के लिए डिस्प्ले में सिग्नल शो जरूर करता। तो ये भी कोई इसमें मसला नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, फैन भी ओके है। तो दोस्तों इसके बाद आता है सेंसर। तो दोस्तों देखिए, सेंसर का काम होता है सेंस करना, उसके अंदर इंस्टेंट टेम्परेचर कितना मौजूद है उससे सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद वो डिस्प्ले के थ्रू आपको डिस्प्ले में दिखाता है कि इंस्टेंट मौजूदा टेम्परेचर कितना है। तो जब ये सेंसर आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि सेंसर भी बिल्कुल सही है, सेंसर में कोई खराब नहीं है। इसके बाद आता है एयर डैम्पर। तो दोस्तों, एयर डैम्पर और पीसीबी लेके ये जो मसला है इसी के कारण हो रहा है। ये जो समस्या आपको देखने को मिला है कि फ्रीजर सेक्शन में ठंड है और फ्रिज में बिल्कुल ठंड नहीं है, तो इसका 2 कारण होता है, एक होता है पीसीबी और एक होता है एयर डैम्पर। तो दोस्तों, एयर डैम्पर नाम सुन के आप लोगों के मन में काफी सवाल पैदा हो चुका होगा कि ये एयर डैम्पर क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं बता दूं, अगर आप नॉन इन्वर्टर सैमसंग फ्रिज के काम कर चुके हैं, तो आपको ये डैम्पर के बारे में जरूर इसके ज्ञान होगा, क्योंकि आप एयर वेंटिलेटर के नाम तो जरूर सुना होगा। वो होता है कि जो छोटे फ्रिज होते हैं, जो सैमसंग के फ्रिज होते हैं, उसमें एक एयर डैम्पर होता है कि उसमें होता है कि वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, वो वेंटिलेशन का क्या काम होता है, जब भी डीप से फ्रीजर से ठंड हवा नीचे के तरफ फ्रिज सेक्शन के तरफ आता है, तो वो पूरी तरह खुला होता है। जैसे कि दोस्तों ये डैम्पर होती है, वो पूरी तरह खुला होता है। तो खुलने के कारण जब उसके
नॉर्मल सेक्शन में वो ठंड ज्यादा बढ़ने लगता है तो वो धीरे 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 इस तरह क्लोज होता है। जब उसका डिजिट टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो जो एयर डैम्पर होता है या जो वेंटिलेशन कहते हैं वो पूरी तरह क्लोज होता है। और जब धीरे धीरे फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो अंदर गर्म होता है, वो धीरे 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 फिर ओपन होता है ताकि वो सेंसर की मदद से एयर डैम्पर को क्लोज या ओपन करता है। तो दोस्तों ये जो एयर डैम्पर होता है, एयर डैम्पर के साथ जो हायर के फ्रिज होता है उसमें एक सेंसर दिया जाता है कि उसके मौजूदा टेम्परेचर कितना है, उससे वो सेंस करता है और पीसीबी को फीडबैक देता है ताकि उसके जो टेम्परेचर होती है टेम्परेचर के अनुसार जो एयर डैम्पर होता है एयर डैम्पर क्लोज और ओपन होता है। तो दोस्तों आपको ये चेक करना है। तो दोस्तों किसी किसी डैम्पर में 3 वायर की होती है और किसी किसी में 4 वायर होती है। तो देखिए सैमसंग या फिर जो हिटाची है या फिर हायर की होती है इसमें भी सारे डैम्पर होती है, जितने भी साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर होती है ये सारे फ्रिज में एयर डैम्पर होते हैं। तो दोस्तों एयर डैम्पर एक होता है कि फीडबैक वायर, दो होता है कि फ्रिज न्यूट्रल। तो दोस्तों आपको इसे चेक करना है कि अगर ये सही है तो इसमें 12 वोल्ट देखने को मिलेगा और आप उसे एक छोटे से जो डीसी बोल्ट होते हैं आप डीसी बोल्ट से उसे चेक कर पाएंगे कि वो फैन मोटर सही है या खराब है। तो दोस्तों अगर आपके जो छोटे डीसी बोल्ट 9 वोल्ट या 12 वोल्ट जो डीसी बोल्ट होते हैं उसे आप इस जो डैम्पर होती है डैम्पर को आप चेक कर पाओगे। तो दोस्तों जब भी ये डैम्पर बंद होगा, जब भी आप फ्रिज बंद करोगे तो ये जो डैम्पर है डैम्पर धीरे 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 पूरा ओपन हो जाएगा। और जब भी आप फ्रिज को ऑन करोगे उसकी टेम्परेचर के अनुसार वो डैम्पर धीरे 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 क्लोज होगा और आपको जितना टेम्परेचर उसमें सेट करोगे उसके अनुसार ही वो धीरे धीरे क्लोज होगा और ओपन होगा। तो ये आपको एयर डैम्पर में 12 वोल्ट आना आवश्यक है। अगर 12 वोल्ट नहीं आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके पीसीबी में कोई दिक्कत हुआ है, पीसीबी में से 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि तो दोस्तों देखिए जो मेन पीसीबी होता है जो हायर की जो फ्रिज होती है, हायर इन्वर्टर साइड बाई साइड जो फ्रिज होती है उसके मेन पीसीबी होता है, मेन पीसीबी में उसमें जो सेंसर दिया जाता है कि सेंसर डैम्पर का लाइन होता है आपको उस लाइन को चेक करना है उसमें 12 वोल्ट निकलता है कि नहीं। अगर 12 वोल्ट निकलता है तो आपको ये जो डैम्पर होती है डैम्पर खराब हो चुका है। अगर डैम्पर में से डैम्पर की वायर सही है, डैम्पर की जो है स्विच वो ऑपरेट होता है तो डैम्पर सही है। तो ऐसा होता है कि पीसीबी फॉल्ट होने के कारण पीसीबी 12 वोल्ट नहीं देता है तो भी ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों मैंने भी कुछ दिन पहले इस फ्रिज को काम किया है, काम करने के बाद उससे मैंने चेक किया कि उसके पीसीबी खराब है तो पीसीबी मैंने उसे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आपको पास पीसीबी होता है तो आप उसे पीसीबी रिप्लेस कर सकते हैं, वरना जो मेन पीसीबी होता है मेन पीसीबी को आप रिपेयर करिए, उसमें से अगर 12 वोल्ट नहीं निकलता तो उसे निकलने का कोशिश करिए। आप उसे रिपेयर करने के बाद इस फ्रिज को दोबारा सेट कीजिए। सेट करने के बाद आपके जो ये 31 और जो -18 का मसला है मसला बिल्कुल नहीं रहेगा, तब भी आपको जो फ्रीजर के सेक्शन है वो भी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा और जो फ्रिज का सेक्शन है वो भी धीरे 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 टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिससे 31 में से 30-29 इस तरीके से टेम्परेचर घटने लगेगा। घटने के बाद जितना टेम्परेचर घटेगा उतना आपका फ्रिज में टेम्परेचर बढ़ेगा और आपकी कूलिंग भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसा होते है कि जो ये मसला होता है कि उसका जो एयर डैम्पर होती है 12 वोल्ट ना मिलने के कारण एयर डैम्पर बिल्कुल क्लोज रहता है। तो ये क्लोज क्यों होता है कि उसमें 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ना मिलने के कारण वो पूरी तरह क्लोज रहता है। क्लोज रहने के कारण जो फ्रिज है फ्रिज के अंदर कोई हवा कूलिंग हवा नहीं पास होता है, ना पास होने के कारण जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो सेम ही रहता है और जो नीचे का टेम्परेचर है वो तुरंत -18 से लेकर 25 तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये थी ये सिंपल सी कारण। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत अच्छा लगेगा, इसके जानकारी बहुत ही आप लोगों के फायदेमंद होगा। जो भाई इस फील्ड में काम करते हैं उसके लिए काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो को कैसे लगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उस भाई इसके बारे में
अच्छे से जानकारी लेके वो भी इसका जो समस्या है वो भी सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। जाने से पहले दो बात कहूँगा, सेफ्टी से काम करिए और ट्रैफिक रूल को जरूर मानिए।